नमस्ते, मैं हूं देव दृष्टिकोण प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक म्यूजिक थ्योरी की। हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज म्यूजिक थ्योरी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं सीखने में, और अगर हम ज्यादा डीप जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके सिर के ऊपर से निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल हम बहुत ही बेसिक चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करना चाहूंगा, जो हम बचपन से सुन रहे हैं, सारेगामा पदानी सासानी धपामा गरेसा, जो हम बचपन से सिंपल सुन रहे हैं, वो क्या चीज है? ये एक स्केल है जिसको हम बोलते हैं मेजर स्केल। किस तरह से? हमने एक लेक्चर में, मुझे उसका लेक्चर नंबर याद नहीं है, बट आप पीछे अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, हाउ टू फाइंड द की। मान लीजिए मैंने कोई एक गाना सुना और हमिंग करके उसकी की निकाली, और की निकली है मेरी सी। अब की तो आ गई मेरी सी, लेकिन आप फिर पूछते हैं कि स्केल क्या है। तो सिंपल इसका मेजर स्केल क्या होगा? सारे गामा पादानी सा सानी धापा मगरे सा। सिंपली सी के ऊपर अगर मैं जाता रहूंगा तो सिर्फ मेरी जो वाइट कीज होंगी, तो लगा के देखते हैं, आपने देखा है मैंने सिर्फ यहां पर वाइट कीज लगाई हैं। ये है मेरा मेजर स्केल। मैं यहां से जाता हूं, इस पर क्लिक करता हूं, यहां पर है स्टैंप। स्टैंप पे अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको यहां नजर आ रही हैं। यहां से मैं गया मेलोडिक कॉर्ड्स, मेलोडिक स्केल्स। स्केल्स के अंदर अगर मैं जाता हूं तो मेजर, इस पर मैंने क्लिक किया, यहां क्लिक करते हैं, ये देखिए मैंने वो स्टैंप सिलेक्ट की है मेजर, एग्जैक्टली वही वही वो लगती जा रही है। सी से लेके बी तक टोटल मेरे हो गए 7 सुर, सारे गामा पादा नी। उसके बाद सा फिर से अपने आप को रिपीट करता है जो यहां लग जाता है। अब इसके ऊपर हम वापस आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, दो टर्म्स हैं जो आपको लाइफ में याद रखनी है, बहुत ही ईजी है, होल स्टेप, हाफ स्टेप। हो सकता है ये आपको पहले भी पता हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो कृपया ध्यान दें। कोई भी मेरा नोट, सी ही ले लेते हैं, सी पे पढ़ाना थोड़ा आसान रहता है। यह है मेरा नोट। अगर आपको कोई बोले, मैं इसे पियानो रोल के पास ले जाता हूं इस सेक्शन में। अब हाफ स्टेप क्या है? बिना काली की या वाइट की को भूल के, बस जो इसके साथ लगी हुई है किसी भी नोट के साथ, अगर मैं एक ऊपर जाता हूं तो वो है मेरा एक हाफ स्टेप आगे, अगर मैं पीछे जाता हूं तो वो है एक हाफ स्टेप पीछे। उसी तरह से होल स्टेप क्या है? दो हाफ स्टेप मिलके एक होल स्टेप बनाते हैं। अगर कोई आपको बोले ये मेरा बेस नोट है, ये मेरा रूट नोट है, और एक होल स्टेप आगे जाओ, तो इसका मतलब होगा एक दो होल स्टेप, एक होल स्टेप पीछे जाओ, हाफ हाफ, ये एक होल स्टेप मैं पीछे आ गया। आपको कोई बोले तीन हाफ स्टेप ऊपर जाओ, एक दो तीन, यहां से दो होल स्टेप ऊपर जाओ, एक दो एक दो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी है। हाफ स्टेप प्लस हाफ स्टेप इक्वल टू होल स्टेप। इसे हम करते हैं या रिमूव। अब यह चीज मैंने आपको क्यों बताई है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मेजर स्केल और माइनर स्केल यहां पर बताए गए हैं। W इज होल स्टेप, H इज हाफ स्टेप। अभी माइनर की पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ मेजर पे दीजिए, जो मैंने आपको बताया है सारेगामा पादानी। किस तरह से ये है, अगर आपको ये याद रखना हो लाइफ में तो बहुत ही आसान है। वेयर वॉज ही वेन वी वर हेयर, वेयर वॉज ही वेन वी वर हेयर, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है तो आप इसे WH जिस तरह से भी है उस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब ये चीज मेरा मेजर स्केल है। मैं क्या करूंगा, वापस मैं यहां जाता हूं और मैं एक नोट लेता हूं सी।
और अब कोई मुझे बोलता है कि सी मेजर स्केल क्या है, तो आइए सी मेजर स्केल बनाते हैं। पहले होल, एक दो, फिर होल, एक दो, फिर हाफ यानी बिल्कुल साथ वाला, फिर होल, एक दो, फिर होल, एक दो, फिर से होल स्टेप, एक दो, और आखिर में एक हाफ स्टेप, एक। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली वही चीज बन गई है। यह हुआ मेरा सी मेजर स्केल। ठीक है, आपको पता लग गया है मेजर स्केल क्या चीज है। अब यहां तो मैंने आपको सिर्फ बताया है सी मेजर स्केल। मान लीजिए आपकी जो की है वो है ये ए शार्प, तो आपका ए शार्प मेजर स्केल क्या बनेगा? होल स्टेप, एक दो, होल स्टेप, एक दो, हाफ स्टेप, साथ वाला, तीन होल स्टेप, एक दो, एक दो, एक दो, हाफ स्टेप। अब इसे जब आप सुनते हो तो फिर वही चीज आती है, सारे गामा पादानी सा। तो जो स्केल है मेरा मेजर वो वही हमेशा रहता है, सारे गामा पादानी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। सिर्फ की जो उसकी है, जो उसका रूट नोट है ये, इसे हम कहते हैं रूट नोट, टॉनिक भी बोल सकते हैं इसको। ये सिर्फ चेंज होता है। सी से अगर मैं मेजर स्केल शुरू करूंगा तो वही चीज आई, अगर मैं यहां से ए शार्प से लेता हूं तो भी वही चीज आती है, मेरा की नोट चेंज हो जाता है। ये हुआ मेरा मेजर स्केल। मैं इसे वापस हटाता हूं, हम सी पे ही बात कर रहे थे। अगर आपके पास कोई मिडी बोर्ड है तो आप कभी प्ले करके देखिएगा, आप कभी लाइव प्ले कर रहे हैं, आपके सामने चार स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई चार दोस्त बैठे हैं, वो आपको बोलते हैं अरे भाई तूने पियानो लिया है चल कुछ प्ले करके दिखा, और आपको प्ले करना नहीं आता, तो आप सबसे इजी चीज क्या कर सकते हैं, लगातार प्ले कीजिए सिर्फ वाइट नोट्स पे, ब्लैक नोट्स को टच मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका स्केल मेंटेन रहेगा, आप सी मेजर पर ही चलते जाएंगे। अगर मान लीजिए आप सी मेजर पर ना भी चल रहे हुए तो आप ए माइनर पे चल रहे होंगे। अब ये चीज कैसे आई, ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है। अगर अभी समझ नहीं भी आती है तो आगे जाके धीरे धीरे आपको समझ आती ही रहेगी। ए माइनर इज रिलेटिव माइनर टू सी, सी मेजर इज रिलेटिव मेजर टू ए। पहले मैं सी से शुरू करता हूं और सिर्फ वाइट जो कीज है उसको टच करूंगा, ठीक। अब मैं आता हूं ए पे और सिर्फ व्हाइट कीज को ही क्लिक करूंगा, सिर्फ व्हाइट कीज को ही क्लिक करूंगा मैं ए से शुरू करके। यहां पर लगाते हैं, अब ये जो है अगर मैं व्हाइट कीज पे ही चलता जाता हूं सी को रूट नोट लेके तो वो बनता है मेरा सी मेजर स्केल। अगर मैं ए से शुरू करता हूं और चलता हूं व्हाइट नोट्स पे ही तो बनता है मेरा वो ए माइनर स्केल। कैसे? माइनर, मैंने एक लिया ए रूट नोट, होल स्टेप, एक दो, हाफ स्टेप, साथ वाला, दो होल स्टेप, एक दो, एक दो, एक हाफ स्टेप, फिर से साथ वाला, दो होल स्टेप, एक दो, एक दो। अब अगर आप देखें मैंने इस तरीके से वहां चलाया और सिंपली मैंने व्हाइट कीज पे क्लिक करके सारे गामा किया था, एग्जैक्टली वही नोट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं।
तो अगर आप वाइड कीज पे चलते हैं, सी से शुरू करते हैं सी मेजर, ए से शुरू करते हैं ए माइनर, लेकिन अगर आपने किसी भी और नोट से शुरू करना हो तो आप बस याद रखेंगे इसको, वेयर वॉज ही वन वी वर हेयर, इसकी भी आप कुछ भी बना सकते हैं, मेजर स्केल या माइनर स्केल, होल स्टेप, हाफ स्टेप, होल स्टेप, होल स्टेप, ये सब करके आप आगे आगे चलते जाएंगे। अब ये तो हो गया मेरा स्केल, इसे भी रिमूव, इसको भी रिमूव करते हैं, कोई और नोट लेते हैं, कोई ब्लैक की लेते हैं, चलिए जी शार्प लिया, दो होल, मेजर की बात कर रहे हैं हम, एक दो, एक दो, एक हाफ, तीन होल, एक हाफ, सात वाला। अब हम इसे देख के लगाते जाएंगे, वही चीज आ गई। अब स्केल का फायदा क्या है, मेरे गाने की जो की थी मैंने हमिंग करके निकाली, जी शार्प आ गई, स्केल मैंने रखा जी शार्प मेजर स्केल, उसका फायदा क्या है, मैं कोई भी चीज, कोई भी मेलोडी, कोई भी कॉर्ड, कॉर्ड की बात हम थोड़ी देर में आगे करेंगे, कोई भी मेलोडी जब मैं बनाऊंगा तो अगर मैं इन नोट्स को ही यूज करूंगा तो मेरा गाना कभी भी बेसुरा नहीं हो सकता। देखिए मैं कहीं भी कुछ भी क्लिक करूंगा, बस ये ध्यान रखूंगा कि यहीं यहीं लगने चाहिए जहां जहां ये नोट लगे हुए हैं। तो देख रहे हैं कहीं भी कोई भी मैं नोट लगाता गया लेकिन सुनने में लग रहा है वाह कितनी अच्छी मेलोडी बना दी है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली वही नोट लगाए हैं जहां मेरा स्केल बोलता है। अगर मैं ऑफ लगाऊंगा, जैसे यहां मेरा नहीं आता, यहां लगा दिया, चलिए इसको रखते हैं बीच में कहीं लगाएंगे, ये यहां लगा दिया, अब ये वाले पर भी नहीं आता तो इसको यहां लगा दिया, ये वाले पर भी नहीं आता तो इसको यहां लगा दिया, सुनते हैं। बेसुरा लग रहा है, वो बेसुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो ऑफ स्केल है, सिंपल बात। तो जब आप गाना गा रहे होते हैं और सामने वाला बोलता है कि आप सुर में नहीं हैं, इसका मतलब यही होता है कि आप स्केल से बाहर जा रहे हैं, आपके कुछ वर्ड्स, कुछ नोट्स आपके स्केल से ऑफ जा रहे हैं, इसलिए आप बेसुरे साउंड कर रहे होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्टेव की। आपको मैंने पहले ही बताया था ऑक्टेव क्या चीज है, C5 से C6 के बीच में एक ऑक्टेव है, C4 से C5 के बीच में एक ऑक्टेव है। जरूरी नहीं है कि ये नोट्स मैं उसी ऑक्टेव में रखूं, इसे मैंने कॉपी किया और कंट्रोल प्रेस करके ऊपर की डायरेक्शन एक बार दबाई, ये अगले ऑक्टेव में भी आ गया है। इसे देख के अगर मैं और चीजें भी लगाता जाऊं, नीचे वाले ऑक्टेव को देख के भी कुछ लगाता हूं, सुनते हैं। कॉपी पेस्ट, कंट्रोल, नीचे की डायरेक्शन, यहां भी कुछ लगाएंगे,
आप देख रहे हैं जहां जहां मेरा स्केल बोलता है, अगर मैं वो नोट्स ही लगाऊं तो मेरा गाना बेसुरा नहीं होता। यहां गए स्टेम्प पर, गए फिर से स्केल्स में, गए स्केल्स में मैं गया मेजर जी शार्प, क्लिक किया, आप देख रहे हैं एग्जैक्टली उस स्टेम्प ने वहीं वहीं पर वो स्केल के नोट्स लगा दिए हैं। कंट्रोल ए डिलीट। अब हम बात करेंगे कॉर्ड की। दो तरह की कॉर्ड्स हैं जिसमें हम आज बात करेंगे और 80-90% गानों में उस तरह की कॉर्ड्स ही लगती हैं, मेजर माइनर। जितने भी हिट गाने आप सुनते हैं ज्यादातर मेजर और माइनर पे ही बने होते हैं। यहां क्लिक किया, स्टैम्प पर गए, स्केल में गए, मेजर पे गए, C5 क्लिक किया, सिंपल वही वाइट मेरे कीज, C5 स्केल बन गया। अब आपने शायद ये वर्ड कहीं सुना हो, ट्रायड, TRIAD, ट्रायड। ट्रायड क्या चीज है? मैं अगर अपनी मेजर कॉर्ड या कोई कॉर्ड बना रहा हूं, मैं यहां जूम करता हूं, देखते हैं उसमें क्या होता है। 1, 3, 5 इस तरह से वो लगानी होती है। किस तरह से? ये मेरा हुआ रूट नोट, तो मुझे पहले लगाना है 3, 1, 2, 3, फिर लगाना है 5, 1, 2, 3, 4, 5। सुनते हैं, ये बनी मेरी सी मेजर कॉर्ड। लेकिन इससे भी आसान तरीका कैसे हो, याद रखिएगा हमने जो बात की है हाफ स्टेप्स की, उन्हें हम सेमी टोन्स भी बोलते हैं, सिंपल नोट भी बोल सकते हो, आगे चलने वाला नोट, पीछे आने वाला नोट। हम बात करेंगे मेजर कॉर्ड की। मेजर कॉर्ड बनेगी 4+3 सेमी टोन से, माइनर कॉर्ड बनेगी 3+4 सेमी टोन से। किस तरह से? ये मेरा एक नोट है, इसमें हम क्या करेंगे, 4+3, 1, 2, 3, 4, +3, 1, 2, 3, 4+3 मेजर कॉर्ड, सी मेजर। उसी तरह से सी ली, लेकिन हम सी माइनर बनाएंगे, 3+4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। ये हुई मेरी माइनर कॉर्ड, सी मेजर की साउंड, सी माइनर की साउंड। एक लेमन भाषा में अगर बताया जाए तो जब भी किसी को बताया जाता है मेजर और माइनर कॉर्ड में मेन डिफरेंस क्या होता है सुनने में, मेजर कॉर्ड्स हमेशा हैप्पी हैप्पी होंगी, अच्छी अच्छी, खुश खुश, माइनर हमेशा थोड़ी सैडनेस की तरफ होगी। मैं आपको सुनाता हूं। ना 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 ना। हैप्पी सी मेजर, सी माइनर 3+4 वाली थोड़ी सी सैड। आज ना ना ना। थोड़ी सी सैडनेस की तरफ जाती है। और फर्क सिर्फ एक नोट का ही है, 4+3 था, 3+4 था। अगर ये बीच वाला नोट ऊपर आ गया तो बनती है मेजर। तो अब हम वापिस यहां क्लिक करते हैं, स्टैम्प लेते हैं, स्केल लेते हैं, फिर से मेजर, इस पे क्लिक किया, ये आ गया है। अब मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन की बात करूंगा, मेरे इस गाने में कॉर्ड्स किस तरह से लगे, आइए देखते हैं। बेसिक सी से शुरू करते हैं। जो मेरा पिछला लेक्चर था जो काफी लंबा हो गया था, उसमें मैं गाना बना रहा था एक पूरा, आपको मैंने बताया किस तरह से गाना बनाया। उसमें भी जब मैं कॉर्ड्स लगा रहा था तो आपने देखा होगा मैं साथ साथ हमिंग करता था, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3। मैं स्केल हटा दूंगा ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसे किया पीछे। अब मैं कोई भी गाना गुनगुनाता हूं, ना ना ने ना ने ने ना ना ने ना, नीचे मैं क्या चाहता हूं, कॉर्ड्स इस तरह की चल रही हो, तो पहले मैं सिंगल नोट देखूंगा,
ठीक है, लगा दिए एक एक नोट। पहले वाले पे मैंने क्या किया, 4+3। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर मेरा स्केल मेजर है तो उसमें सिर्फ मेजर कॉर्ड्स आएंगी, या अगर मेरा स्केल माइनर है तो उसमें माइनर कॉर्ड्स आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेजर कॉर्ड माइनर कॉर्ड दोनों किसी भी स्केल में आ सकती हैं, डिपेंड करती है आपकी मेलोडी को क्या चीज सपोर्ट कर रही है। 4+3 4+3 यहीं गई। किस तरह से, मैंने हमिंग करके देखी, अगर मैं माइनर लगाता ना ना ना, मुझे ऐसा फील आया कि ये यहां नहीं जा रही है। वापिस मेजर लगाई, तीसरा यहां भी मेजर चले गई। चलिए तुक्के वाली बात है कि यहां पर चारों ही मेजर जा रही हैं, बट जरूरी नहीं है कि किसी भी स्केल में जब हम कॉर्ड प्रोग्रेशन लगा रहे हैं तो हमेशा वो मेजर हो, माइनर भी जा सकती हैं। हम कोई और भी लेके देखते हैं। मैंने फिर से इसे किया डिलीट, हमिंग की, उससे चार नोट मिल गए, इसलिए यहां की जगह मैंने यहां लगाया। क्यों, ये कहीं और जा रहा है। ठीक, अब मुझे इसके हिसाब से कॉर्ड्स लगानी है। माइनर 3+4, किस तरह से, मेरी फील के हिसाब से। अगर मैं ऊपर लेता चार प्लस तीन, चलिए यहां पर वो एग्जाम्पल भी आ गया कि एक स्केल के अंदर माइनर कॉर्ड भी लग सकती है, मेजर कॉर्ड भी लग सकती है। इसके ऊपर अब हम लगाएंगे कुछ नोट्स। इससे पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं, कॉर्ड इन्वर्जन। कॉर्ड इन्वर्जन क्या चीज है, INVERSION, इन्वर्टेड कॉर्ड्स भी हम उसे बोलते हैं। सिंपल क्या चीज है ये, अगर मैं इसको C#5 की जगह C#4 कर दूं तो कॉर्ड वही है। दिखने में अब ये लग रहा है 5+3 बन गया है। आप बोलोगे 5+3 तो कोई कॉर्ड थी नहीं, ये क्या, हमें तो 4+3 या 3+4 बताई गई थी। ये वही चीज है, बस इन्वर्ट हो गई है। इसकी लीडिंग नोट जो है फ्रंट पे ए आ गया है। बी 4 को मैं करता हूं B3, साउंड वही कर रही है लेकिन थोड़ा बेस आ गया है। क्यों, जो लीडिंग नोट था मैंने उठा के थोड़ा बेस साइड पे कर दिया है। ये मैंने किया रिमूव, वही C# जो मैंने 4 लगा दिया था, दोनों को सुनते हैं। ये F#, ये लगा मेरा यहां, C#F#A, 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 कॉर्ड सेम ही है लेकिन ऊपर नीचे लगी हुई हैं। इसका लीडिंग नोट A है, इसका लीडिंग नोट C# है, इसका लीडिंग नोट F# है, तो कॉर्ड सेम है, स्केल भी वही है, लेकिन मेरी जो कॉर्ड्स हैं मैंने इन्वर्ट कर दिए हैं, इन्वर्टेड कॉर्ड्स हैं। इससे थोड़ा फ्लेवर आ जाता है गाने में, कॉर्ड सेम रहती है लेकिन थोड़ा इस वाले टाइम पे बेस आ जाएगी। इसको आप चाहे आगे तक खींच लीजिए, आप चाहे ये भी कर सकते हैं। अब सुनते हैं, बेस नोट हटाते हैं, आप देख रहे हैं वो साउंड एग्जैक्टली सेम ही कर रही है लेकिन हल्का हल्का फर्क आ रहा है। क्यों, वहां पे जाके टिंग, ये एक अलग सा फ्लेवर बाहर निकल के आ रहा है क्योंकि थोड़ा ये अपर फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसीज की बात हम तब करेंगे जब हम फिल्टर्स के ऊपर आएंगे। तो ये तो हो गई मेरी कॉर्ड्स।
इससे ज्यादा बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने सिर्फ मेजर और माइनर कॉर्ड्स की ही प्रैक्टिस करनी है, मेजर और माइनर स्केल्स की ही प्रैक्टिस करनी है। और फाइनल में आपको एक और चीज बता दूं जो मैंने खुद पे भी बहुत देर तक लाइफ में अप्लाई की है और बहुत सारे म्यूजिशियंस पे अप्लाई होती है। आपको थ्योरी में बंध कर काम नहीं करना है। आप एक गाना बना रहे हैं और आपको मन में ये आ रहा है क्या ये स्केल पे है, पहले मैं स्केल चेक कर लूँ, फिर मैं वो वाला नोट स्केल के हिसाब से लगा लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, कॉर्ड तो यही आनी चाहिए क्योंकि थ्योरी में लिखा है तो ये वाली कॉर्ड आनी चाहिए थी। अगर आप इतनी ज़्यादा साइंस लगाएंगे तो आपकी म्यूजिकैलिटी इफेक्ट होगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, बहुत सारे गाने सुनिए, अलग अलग भाषा के गाने सुनिए, अपनी लिसनिंग बढ़ाइए। उससे क्या होगा, आपके कान ट्रेन होंगे। जब आप कुछ बनाने लगेंगे अब ये देखिए 3+4, 4+3, 4+3, 4+3 मुझे कैसे पता लगा यहाँ पर माइनर और यहाँ मेजर आनी चाहिए थी। इसे पकड़ के मैंने आपने देखा भी होगा, मैं ऊपर नीचे करके देख रहा था कि यहाँ नहीं सेट बैठती, यहाँ सेट बैठती है। वो मुझे कौन बता रहा है कि यहाँ नहीं सेट बैठती, थ्योरी नहीं, वो म्यूजिक थ्योरी नहीं बताती है कि यहाँ की जगह नोट यहाँ लगाओ, वो मेरे कान बताते हैं। कान क्यों, क्योंकि लिसनिंग है, काफ़ी देर से हम काम कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए हैं। आपको भी जब धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो आप थ्योरी भूल जाएंगे, आपके बस कान ही बताएंगे कि यहाँ जाना है, मुझे ये वाला नोट लगाना है, ये वाला नोट सही नहीं है, ये वाला नोट अच्छा नहीं है। आइए थोड़ा इसके ऊपर कुछ भर के देखते हैं। आपने देखा वो किस तरह से लगता गया, मेरे मन में आता गया। जैसे जैसे आप भी काम करते जाएंगे एक्सपीरियंस पड़ता जाएगा, आपके मन में भी मेलोडी जहाँ जाएगी अपने आप क्लिक होता जाएगा। लगाते टाइम मैं कई बार ये करता हूँ, ये सही है, क्यों, वो मेरे कान बता रहे होते हैं कि यहाँ लगाओगे तो सही नहीं जाएगा, म्यूजिक थ्योरी नहीं बता रही होती। और अगर वो बिल्कुल सही बैठ गए तो अपने आप ही पीछे से म्यूजिक थ्योरी बोलती है हाँ तूने सही लगाया। नीचे आते हैं, एफ शार्प की बेस दे देते हैं, काफी नीचे जाएगी, अगर ई डी पे जाए तो चलिए कोई बात नहीं, डी लगाते हैं और एक फिर से ई लगाते हैं। ये है मेरा डी, मैं बीच में कहीं लगा रहा हूं, सी शार्प, बी, सी शार्प, थोड़े डोमिनेटिंग हो गए हैं, सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, वेलोसिटी थोड़ी कम कर दी, ये जो आपको पहला दूसरा लेक्चर मैंने वेलोसिटीज बताई थी, ये किया, इसकी थोड़ी सी और कम कर देते हैं, इससे भी कम। काफी अच्छी चीज बन गई। आप इसको देखकर भी ट्राई कर सकते हैं। सुनता हूं और बताता हूं इसका स्केल क्या होगा। बी तो आ गया की नोट,
स्केल आ गया बी माइनर, पता नहीं आगे जाके क्या बनेगा, लेकिन शुरू में जो पहला है वो तो बिल्कुल सही जा रहा है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितनी मैंने थ्योरी बताई है इतनी ही पढ़िए, इससे ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतनी थ्योरी ऑलरेडी पता थी बहुत ही अच्छी बात है, और ज्यादा सीखिए। मुझे मालूम है पहली बार में ये चीज इजीली समझ नहीं आती है, मेरे भी समझ नहीं आई थी, मुझे लगता है रहमान साहब के भी पहली बार में ये समझ नहीं आई होगी। लगातार हम रोज प्रैक्टिस करते हैं तब जाके धीरे धीरे ये चीज पता लगती है। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, विद इन 24 आवर्स मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका रिप्लाई करूं और आपको बताऊं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दे फ्रॉम दृष्टिकोण प्रोडक्शंस साइनिंग आउट। नमस्ते।